मुफ्त में सिर्फ माता पिता का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना ही पड़ता है। जब जरा सी चोट लगती है तो माँ की याद आती है, लेकिन जब बाजार में खिलौने दिखते हैं तो पिता की याद सताती है। जब माँ के आगे जिद करते हैं तो उसके थप्पड़ में भी प्यार होता है, लेकिन पिता के सामने ख्वाहिशें रखते ही आपके जीवन में पूरा खुशियों का संसार होता है। माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की कभी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। माता पिता के आगे तो भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं, तो हम इंसान क्या। लेकिन आज का ये दिवस कब मनाया गया, इस दिवस को मनाए जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे आपको हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज रोज़ाना मिलती रहे। माता पिता होना यानी कि पेरेंटिंग एक असाधारण यात्रा है जो कई जिम्मेदारियों और चुनौतियों के साथ आती है। माता पिता की भूमिका और परिवार के महत्व को सम्मानित करने के लिए आज का ये दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा होते हैं माता पिता। अपने जीवन से ज्यादा अपने बच्चों के लिए जीते हैं माता पिता। एक बच्चे के लिए माता पिता उसका पूरा संसार होते हैं, और अगर आज का ये दिवस उन दोनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है तो ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव की बात है। और इसी गौरवमय पल को महत्वपूर्ण बनाने के लिए आज का दिवस यानी कि ग्लोबल पेरेंट्स डे, इंटरनेशनल पेरेंट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय माता पिता दिवस आज के दिन 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब और कैसे हुई और किन महान शख्सियत की वजह से आज का ये दिवस इतना महत्वपूर्ण है। माँ बाप की अहमियत उन बच्चों से पूछिए जो बचपन से ही बिना माता पिता के रहते हैं, और माता पिता के संघर्षों की कहानी आप तब समझ पाते हैं जब आप खुद जिम्मेदार होते हैं और बड़े होते हैं। अगर आप कुछ पल अपने माता पिता के साथ गुजारेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने पूरे जीवन सिर्फ और सिर्फ आपको बनाने में खत्म कर दिया। और अगर आज का एक दिवस आप उनके नाम समर्पित करेंगे तो ये उनके लिए सच्ची श्रद्धा होगी। 1 जून को ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, जानने के लिए JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज रोजाना मिलती रहे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक ऐसे ही पहुंचते रहे। आज का दिवस कब मनाया गया और इसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, जानिए इस वीडियो में अंत तक। दरअसल आज का ये दिवस अपने माता पिता को धन्यवाद देने का, उन्हें ये एहसास दिलाने का अवसर है कि उन्होंने अपने जीवन में बच्चों की परवरिश के लिए कई ख्वाहिशों को, कई तरीके की चीज़ों का बलिदान किया होगा। कभी अपने भोजन पर, कभी अपने नींद पर, तो कभी कहीं जाने की ख्वाहिशों पर नियंत्रण किया होगा, और आपके पालन पोषण में पूरी जिंदगी एक भक्त की तरह, एक श्रद्धालु की तरह आपके जीवन को समर्पित कर दी होगी। तो आज के दिन ऐसे भगवान की पूजा करने का दिवस है और जानने का दिवस है कि ये दिवस कब से मनाया जाने लगा। वैसे आजकल की जनरेशन या वृद्धाश्रम को देखकर बहुत ही दुख महसूस होता है और बहुत ही दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है कि ऐसे वैश्विक स्तर पर लोग एक दूसरे को बधाई भी नहीं देते, लोगों को याद भी नहीं रहता कि आज का इतना महत्वपूर्ण दिवस वो मिस कर रहे हैं। लेकिन JDF लाइव हमेशा आपको हर डे इवेंट की महत्वपूर्ण वीडियोस रोज़ाना आप तक पहुंचाता ही रहता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये हमारे माता पिता के लिए दिवस है जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। और आज के दिन सोशल मीडिया पर बहुत कम, यूँ कह सकते हैं कि 10% लोग इस दिवस के बारे में जानते हैं और एक दूसरे को इस दिवस के बारे में बताना चाहते हैं, शुभकामनाएं या बधाई देना चाहते हैं। लेकिन आज का दिवस दोस्तों हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैं आज शब्द बोल पा रही हूँ, यदि मैं आज जीवन में कुछ कर पा रही हूँ, तो उसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस जीवन को दिया है
हमें इस काबिल बनाया है कि हम कुछ ज्ञान की बातें लोगों तक साझा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब और कैसे हुई। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक माता पिता दिवस मनाने के लिए घोषित किया था। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है कि बच्चे अपने माता पिता के महत्व को समझें, बच्चों में सकारात्मकता और विकास के साथ साथ अपने जीवन के आधार अपने माता पिता के लिए भी उतना प्रेम स्नेह और भावनाएं हों जितनी कि माता पिता के मन में अपने बच्चों के लिए होती हैं। माता पिता की भूमिका निभाना आसान नहीं और इस कठिन यात्रा के बारे में, इस कठिन संघर्ष के बारे में उन सभी बच्चों को बताना है जो इस यात्रा को आसान समझते हैं। आखिरकार माता पिता पहले शिक्षक और मानवीय अंतक्रिया है जो एक बच्चे के सामने आते हैं। समुदाय के नेता, माता पिता, बच्चे, शिक्षक और परिवार संगठन इस दिन को मनाने और प्रभावी पालन पोषण को बढ़ावा देने के लिए एक साथ भी आते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हर बच्चे अपने माता पिता के आज के इस दिवस को समझे और इसके महत्व को लोगों तक साझा करें और अपने माता पिता को एहसास दिलाएं कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं उनके जीवन के लिए। वैसे तो फादर्स डे, मदर्स डे अलग अलग डे में मनाए जाते हैं, लेकिन माता पिता के लिए आज का ये दिवस 1 जून को पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये दिवस आप भी सेलिब्रेट करें तो आप अपने माता पिता के लिए कोई पूजा पाठ अनुष्ठान या फिर आप उनके लिए छोटा सा कोई डिनर प्लान कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि उनके जीवन में आपका कितना योगदान है। उन्हें आप ये बता सकते हैं, आप जता सकते हैं कि उनके बिना आपका जीवन कुछ भी नहीं, क्योंकि आजकल भाग दौड़ भरी लाइफ में हर व्यक्ति के पास समय का बहुत अभाव है। लेकिन अगर हम अपना समय अपनों के लिए ना निकाल पाएं तो फिर हमारे जीवन का कोई महत्व ही नहीं। अगर हम इन छोटी छोटी खुशियों, इन छोटे छोटे डे इवेंट्स जो हमारे लिए विश्व स्तर पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, हम उन्हें भावात्मक रूप से महसूस ना कर सकें तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात हो सकती है। सोच कर देखिए, जिनके पास माता पिता नहीं उनका जीवन कितना नीरस, उनके पास रोने के लिए, उनके पास अपनी बात कहने के लिए शायद कोई नहीं। वो अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं। तो सौभाग्यशाली हैं आप कि आपके पास माता पिता हैं। तो आज के दिन अपने माता पिता को आप स्नेहपूर्वक, प्रेमपूर्वक आज के दिवस की शुभकामनाएं दें और इस दिवस को उनके लिए बहुत ही खास बना दें। और सबसे ज़रूरी है कि इस दिवस के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक साझा ज़रूर करें ताकि बहुत सारे लोग इस महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जान सकें। उम्मीद करते हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय माता पिता दिवस की जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आई और आप अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर साझा करें ताकि इस वर्ष तो नहीं लेकिन अगले वर्ष ये दिवस आप उनके लिए बहुत खास बना सकें। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ, सभी माता पिता को मेरा सादर नमन और वंदन।